गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम पेज नंबर 53 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कीप दीज वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए बी एंड सी इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स। ए से क्या स्पेलिंग होगी, बी से क्या है और सी से क्या है, ये आपको ऊपर दिया गया, ये आपको खुद करना है। एफेक्ट यानी प्रभाव, एल्बम और एयर, आपको ए कॉलम पर लिखना है। बक, बैड आपको बी कॉलम पे लिखना है। और सी से क्या स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है आपकी, कैमल, कॉस्ट, कैरेट ये, और एयर भी आपका यहाँ पर है, तो आपको ये खुद इसमें फिलअप करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज़ द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, कौन सा नियरेस्ट प्लैनेट, कौन सा ग्रह है सन के करीब। मरकरी, एम ई आर सी यू आर वाई, मरकरी यानी बुध ग्रह। हमारे 9 ग्रह हैं, उनमें मरकरी सबसे नज़दीक है सन यानी हमारे सूर्य के। डू वी सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, क्या हम स्टार्स को दिन में देख सकते हैं। नो, हम स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते क्योंकि सूरज की रोशनी से वो छुप जाते, होते आसमान में ही हैं दिन में लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ सूर्य की तेज रोशनी के कारण। जब अंधेरा ढलता है तो तभी हमें नज़र आते हैं। रवि, आर द स्टार स्मॉल इन साइज, स्टार के छोटे होते साइज में। नो, ये हमेशा क्या होते हैं, मैंने ये सीखा था लेकिन मैंने सर्च किया तो ये स्टार स्मॉल नहीं होते हैं, वे हमेशा बड़े होते हैं और लेकिन यहाँ से बहुत दूर हैं तो हमें छोटे साइज में नज़र आते हैं। Do stars have light of their own? क्या stars की अपनी खुद की light है? Yes, हाँ स्टार की अपनी खुद की light है। Is sun a star? Yes, sun भी एक star है, वो हमारे solar system का main part है और वो धरती से थोड़ा करीब है, इसलिए जब सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है तो गर्मी का एहसास होता है। इस सन स्टार, तो इसका आंसर होगा यस, तो आपको ये अपनी बुक में फिलअप करना है। ये था आपका इंग्लिश का वर्क। हिंदी में करेंगे हम चंद्र बिंदु अनुनासिक शब्द, ये सूंड, आप देख रहे हो सूंड लिखा है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु का मात्रा लगाई, चाँद, चाओ चौमा की मात्रा दो, ये चंद्र बिंदु। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी के ऊपर चंद्र बिंदु का शब्द। आँख, आँख के ऊपर चंद्र बिंदु का शब्द। इसी तरीके से शब्द है मुँह, कहाँ, गांठ, ऊँट, आंगन, चांदनी, टांग, तागा, कापना। तो ये थे आपके चंद्र बिंदु वाले शब्द, इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। ये था हिंदी का वर्क। नेक्स्ट में हम करेंगे पेज नंबर 70 की एक्सरसाइज। ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट, 10 कंप्लीट हो जाएगा मेंटल मैथ्स में। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर, कितने ब्रिक्स हैं इसमें, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्रिक्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, तो टोटल ब्रिक्स कितने होंगे, 6 और 8, यहाँ पर 6 हो गए और यहाँ पर 8 हो गए। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, 60 प्लस 4, तो उसका बना 64, 75 इसका बना 75, और ये 37 लिखा है तो उसका बनेगा यहाँ पर 37, 56, 89, ये 69, तो यहाँ पर सिर्फ 9 आ जाएगा। अब ये 38, यहाँ पर लिखा है 78, तो यहाँ 70 तो आपने लिखा है, यहाँ पर आपने 8 लिख देना। 48 आपका लिखा है तो आपने लिखा 8। आज ही राइट द नंबर शोन ऑन द एबेकस, एबेकस में नंबर कितने दिए, 1 2 3 4 5, 5 टेंस हो गए और वंस कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसी तरीके से आपने काउंट करके टेंस और वंस इस अपनी ये बुक में एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, 57 एंड 1, अब आपको ऐसे करिए 5 टेंस एंड 7 वंस, 80 टेंस एंड 0 वंस, 8 टेंस एंड 0 वंस,
नाइन टेंस एंड ज़ीरो वंस। इसी तरीके से सिक्स टेंस एंड फोर वंस, तो ये बन जाएगा 64। ज़ीरो टेंस एंड सिक्स वन, तो ये बनेगा सिक्स। एट टेंस एंड ज़ीरो वंस, ये बन गया 80। तो ये अपनी आपने एक्सरसाइज को बुक में पूरा करने हैं। और चैप्टर 11 में आते हैं। चैप्टर 11 में आपने करने नंबर्स 101 से 200। 100 तक की तो काउंटिंग सबको आती है। 101 से 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 101 से आपने 200 तक की काउंटिंग को अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज ये आप अपने काम अपनी नोटबुक में कीजिए। 101 से 200 तक की इसमें आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर। तो आप इसे देख के अपनी काउंटिंग को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। ईवीएस में हम आज चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स हमारे चार होते हैं। देयर आर वेरियस प्लांट्स अराउंड अस, हमारे पास पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड अदर्स आर स्मॉल, कुछ उनमें बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। प्लांट्स विथ हार्ड स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। प्लांट्स जो पौधे हार्ड स्टेम्स यानी कठिन, हार्ड मीन्स कठिन तने के होते हैं ना, ट्री कहते हैं पेड़। दे आर बिग, वो बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल एंड नीम, एग्जाम्पल हो गया पीपल और नीम का। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट्स के वीक तने होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, उनको खड़े होने के लिए सहारा चाहिए। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, आप मनी प्लांट देखते हो उसकी टहनियाँ बढ़ती हैं तो हम उसमें सहारा देते हैं उनको, छड़ी वड़ी या धागे वगैरह सब उन्हें बांधते रहते हैं। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन प्लांट। क्रीपर्स जैसे जो ज़मीन पर उगती हैं सब्जियाँ जो फैलती आती हैं, जैसे कद्दू आपका। अ ट्री हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, ट्री के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लुक एट दिस ट्री, ये ट्री को देखिए। यूज़ हेल्प बॉक्स टू फाइंड पार्ट्स ऑफ द ट्री, और अलग अलग पार्ट्स ट्री के उसमें फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर क्या फ्लावर्स फूल का है, लीव्स फ्रूट ट्रंक ब्रांचेस। और प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर इन अपने वेरियस पार्ट्स को यहाँ पर प्लांट्स के लिखने हैं। तो मैंने पार्ट्स लिख दिए। एफ आर यू आई टी फ्रूट, ये पत्तियाँ होंगी। एल ई ए वी एस लीव्स, ये होगी ब्रांच। तने हो गए बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांचेस। ये ट्रंक यानी तना हो गया टी आर यू एन के ट्रंक। और ये फ्लावर्स हो गए एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस। तो ये आपने पढ़े प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट के क्या डिफरेंट यूज होता है। प्लांट्स प्रोवाइडर दीज थिंग्स, पौधे में क्या देते हैं, वुड यानी लकड़ी, कॉटन, रुई, मेडिसिंस यानी दवाइयाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑयल भी प्लांट से बनता है। पेपर भी आपका पौधे पेड़ से बनता है। टी एंड कॉफ़ी भी हमें प्लांट से मिलती है। राइस, चावल, वीट, गेहूँ, पल्सेस यानी दाल है, ये सब भी हमें प्लांट से मिलता है। तो हमने पढ़ा कि हमारे देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हमें आस पास बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे चारों। दे प्रोवाइड अस अ नंबर ऑफ थिंग्स, और जो हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमें पेड़ों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा और हरियाली भी छाई रहेगी, जीव जंतु भी खुश रहेंगे और हमारी प्रकृति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो ये प्लांट्स अराउंड अस, मतलब जो हमारे पौधे हैं प्लांट्स अराउंड अस, इस चैप्टर की आज अपनी रीडिंग करनी है बहुत अच्छी तरीके से। और पार्ट्स के नेम अपनी यहाँ बुक में लिखने हैं और डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लांट्स को आपने पढ़ना है कि हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इस चैप्टर की अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिए आज, और कल हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। थैंक यू किड्स, टेक केयर, गुड बाय।